साथियों, मूल बात क्या है? मूल बात यही है, आज सरकार इनोवेटर्स के पांव में जंजीर डालकर नहीं, उनमें जोश भर करके उन्हें आगे बढ़ा रही है। अगर आपको जियो स्पेशल क्षेत्र में इनोवेशन करना हो, नए तरह के ड्रोन बनाना हो, या स्पेस के क्षेत्र में कोई नई सैटेलाइट या रॉकेट बनाना हो, इसके लिए सबसे खुला, सबसे नर्चरिंग वातावरण आज हिंदुस्तान में उपलब्ध है। दोस्तों, एक समय में भारत में कोई नई कंपनी रजिस्टर कराने चाहता था तो उसे रजिस्ट्री में कागज डालने के बाद वो भूल जाता था, तब तक रजिस्ट्री नहीं होती थी, महीने लग जाते थे। जब भरोसा बढ़ जाता है सरकार का, नागरिकों पर भरोसा बढ़ता है, नागरिकों का सरकार पर भरोसा बढ़ता है, अविश्वास की खाई खत्म होती है। नतीजा ये आता है कि आज अगर कंपनी रजिस्टर करनी है तो 24 घंटे लगते हैं दोस्तों, तो 24 घंटे। बीते कुछ वर्षों में सरकार की एक आदत थी, एक चैम्बर हो ऑफिस का, 6 टेबल हो, नंबर 1 ने जनवरी में आपसे कुछ चीजें मांगी, नंबर 2 के टेबल वाला फरवरी में फिर वही मांगेगा, फिर नंबर 5 वाला टेबल फरवरी एंड में कहेगा यार वो कागज लाओ जरा, मुझे जरूरत है। यानी नागरिकों को लगातार हजारों की तादाद में दोस्तों कंप्लाइंट, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ, और वो लेकर के क्या करते थे वो जाने और आप जाने। साथियों, आप हैरान हो जाएंगे, अब ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है। 25,000 से ज्यादा कंप्लाइंट खत्म किए हमने, इतना ही नहीं, मैं 2013 में चुनाव के लिए तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरी पार्टी ने घोषित कर दिया था कि इसको प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, तो मैं जाता गया से भाषण करता था लोगों से। तो एक दिन दिल्ली में सब व्यापारियों ने मुझे बुलाया, तो व्यापारी का बड़ा सम्मेलन था, और उसमें जो मेरे आगे सज्जन बोल रहे थे वो कह रहे थे देखिए वो कानून बना है, वो कानून बना है, ये कानून बना है, इसका कानून बना, सारा ढेर सारे कानून बता रहे थे वो। अब चुनाव के समय तो सब लोग यही कहते हैं ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन दोस्तों मैं जरा दूसरी मिट्टी का इंसान हूँ, तो मैं भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, ये 2013 की बात है, मैं भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई आप लोग कानून बनाने की बात करते हैं, मैं तो मेरा तो इरादा ही अलग है, मुझे पता नहीं मैं आपको बताऊंगा वोट दोगे कि नहीं दोगे, मेरी तो छुट्टी कर दोगे आप लोग। मैंने कहा मैं आपको वादा करता हूं मैं हर दिन एक कानून खत्म करूंगा आकर के, बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ था कि यह इंसान को कुछ समझ नहीं है रहा सरकार क्या होती है, ऐसे ही माना होगा और क्या। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको मेरा हिसाब दे रहा हूं, पहले 5 साल में 1500 कानून खत्म कर दिए दोस्तों, ये सब क्यों, ये नागरिकों पर ये कानूनों की जंजाल का बोझ क्यों? ये भारत देश आजाद हो चुका है ना, देश मोदी का नहीं है, देश 130 करोड़ नागरिकों का है।
अब देखिए देश में, पहले तो हमारा देश की विशेषता देखिए साहब, देश एक संविधान दो थे, क्यों इतनी देर लगी? पुराने जमाने में कहते थे ट्यूबलाइट, मालूम है ना दो संविधान थे, सात दशक हो गए दोस्तों, सात दशक हो गए एक देश एक संविधान लागू करते करते, अब लागू हुआ दोस्तों। गरीब को राशन कार्ड दोस्तों, अगर वो जबलपुर में रहता है राशन कार्ड वहां का है, और अगर मजबूरन उसको जयपुर में जाना पड़ा जिंदगी गुजारने के लिए, तो वो राशन कार्ड काम नहीं आता था, देश एक ही था लेकिन राशन कार्ड अलग थे, आज वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया। पहले कोई देश में इन्वेस्टमेंट करने आता था, गुजरात में जाता था तो एक टैक्सेशन, महाराष्ट्र जाता था दूसरा टैक्सेशन, बंगाल में जाता था तीसरा टैक्सेशन, अगर उसकी तीन चार कंपनियां, एक कंपनी गुजरात में, दूसरी कंपनी महाराष्ट्र में, तीसरी बंगाल, तो तीनों जगह पे अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलग अलग कानूनों से कारोबार चलता था दोस्तों। आज टैक्स व्यवस्था एक जैसी लागू हो गई कि नहीं हो गई? और हमारी वित्त मंत्री यहां बैठी है निर्मला जी, अप्रैल महीने में क्या हुआ मालूम है ना? जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हो गया है, 1,68,000 रुपीज, 1,68,000 करोड़। वन नेशन वन टैक्स की दिशा में ये मजबूती के साथ हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? साथियों, मेक इन इंडिया आज आत्मनिर्भर भारत का ड्राइविंग फोर्स बन रही है। आत्मविश्वास से भरा भारत आज प्रोसेस ही आसान नहीं कर रहा है, बल्कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट भी कर रहा है। इसका बड़ा प्रभाव भारत से होने वाले एक्सपोर्ट पर भी दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने $400 बिलियन एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर हम गुड एंड सर्विसेज को देखें तो पिछले साल भारत से $670 बिलियन यानी करीब करीब 50 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। आंकड़ा देख करके हाथ जम गए क्या? भारत के अनेक नए जिले नए नए देशों में नए नए डेस्टिनेशन पर एक्सपोर्ट के लिए अपना दायरा बढ़ा रहे हैं और तेजी से एक्सपोर्ट हो रहा है। और उसका एक मजा भी है, जो आज देश में बन रहा है ना, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के मंत्र से लेकर के चल रहा है कि प्रोडक्शन की क्वालिटी में डिफेक्ट नहीं है और प्रोडक्शन में एनवायरमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं है।